हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेडीमेड सूट की फ़िटिंग करके बताने जा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर रेडीमेड सूट है तो इसको मैंने फ़िटिंग करना है। तो सबसे पहले मैं इसे उल्टा कर लूँगी। उल्टा करने के बाद इसका जो नाप है उसके हिसाब से मैंने इसको फ़िट करना है। तो उल्टा करने के बाद इस तरह से मैंने सेट करके रख देना है, और सेट करने के बाद इसकी लेंथ जो है लंबाई हम मापेंगे। तो शोल्डर से लेकर हमने लंबाई मापना है। तो पहले सबसे पहले इसको सेट कर देंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इंची टेप से जो हमें माप लेना है वो लेना है। तो हमें 39 पूरी लेंथ चाहिए, तो हमने पूरे शोल्डर से रख देना है और यहाँ तक 39 पर आएंगे। उसके बाद हमने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि नीचे से फोल्ड करके सिलाई करनी है इसलिए। तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया और वहाँ मार्क कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने पूरी अच्छे से इसे सेट करके करना है, ये ना हो कि हमारी जो सूट है छोटी हो जाए। तो इस तरह से हमने मार्क करने के बाद इसकी कटिंग करनी है। इतना पार्ट हमने कट कर देना है। तो देखिए, इतना पार्ट एक्स्ट्रा था, हमने उसे कट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमने करना है वो चेस्ट की मेज़रिंग करनी है। तो चेस्ट हमने मापना है, तो चेस्ट के लिए हमें चेस्ट जितना चाहिए उसके हिसाब से हमने यहाँ पर फिट करना है। तो देखिए, ये अच्छे से सेट कर देंगे। फिर से हम लेंथ में हमने ऐसे सेट किया था, अब चेस्ट मापना है। तो चेस्ट हमारे पास है 38, तो हमने इसका हाफ़ कर देना है। इस तरह से इंची टेप को रखना है और मोड़ देना है, तो हाफ़ पॉइंट आ जाएगा 19। तो 19, तो यहाँ पर हमने 19 पर निशान लगाना है, यानी कि जितना हमारे पास 2 इंच एक्स्ट्रा है यहाँ पर 21 आ रहा है। तो हमने 1 इंच इस साइड छोड़ देना है और 1 इंच उधर छोड़ देना है, दोनों साइड 1-1 इंच करके छोड़ देंगे। तो हमारे पास पूरे ये 20, देखिए 21 आ रहा है, तो हमने 1-1 इंच छोड़ देना है दोनों साइड में, तब हमारे पूरे 19 जो है वो आ जाएगा और फिटिंग पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से हम 1 इंच इधर माइनस कर देते हैं और 1 इंच हमने इधर माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास हो गया 19। तो अब ये चेस्ट की मेज़रिंग हो गई है, अब हमें कमर की जो है मेज़रिंग करनी है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर चेस्ट का जो मार्क करने के बाद हम कमर का माप करेंगे। तो कमर जितना होगा, तो कमर के हिसाब से हमने उसको माप लेना है। तो कमर हमारे पास जो आएगा वो देखिए, यहाँ पर कमर हमारे पास है 36। तो 36 का भी हमने इस तरह से हाफ़ कर देना है, तो हाफ़ करने के बाद 18 आएगा। तो 18 का हमने इस तरह से मार्क कर लेना है, और मैंने आपको बताया था कमर 12 या 13 तक होती है लंबाई उसकी। तो उसके नीचे से हमने इसको मार्क करना है, जितना भी आ रहा है 19 आ रहा है। तो उसमें देखिए 1 इंच ज़्यादा है, तो हमने हाफ इंच इधर माइनस करना है और हाफ इंच उधर। तो दोनों तरफ हाफ हाफ इंच माइनस करने के बाद हमारे पास 18 आ जाएगा, 36 कमर आ जाएगा। तो उसके बाद हमें हिप देखना, हिप हमारे पास 42 है, तो उसका हाफ़ होता है 21। हाफ़ करने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि आपने इंची टिप को फोल्ड कर देना है, तो इस तरह से आपका हाफ जो है अच्छे से पता लग जाएगा कितना पॉइंट है। तो हमने हिप पर भी रखना है इस तरह से, और देखना है कि कितना पॉइंट जो आ रहा है हमारा टोटल। फिर उसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे, तो टोटल हमारे पास आ रहा है 21 एंड हाफ। तो आपने हाफ को भी दो दो सूत इधर माइनस कर देना है। तो अब इसको हम इस तरह से मिला लेंगे, और अच्छे से इसे मिला लेंगे जहाँ से हमने पॉइंट इसकी रखी हैं, दोनों साइड से इस तरह से मिला लेते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने स्लिप की तरफ। तो स्लिप हमारे पास जितनी लेनी है, स्लिप की हमने राउंड जो मापी हुई है बॉडी से, तो वो हमारे पास है 9.2। तो उसका भी हमने इस तरह से हाफ़ कर देना है। हाफ करने के बाद जितना भी आएगा उस तरह से आपने इसको ले लेना है, राउंड जितना होगा उसका हाफ़ करके ले लेंगे। तो इसी तरह से आप हाफ़ कर सकते हैं इंची टेप से, और उसका मेज़रिंग कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को मिला देंगे, और सेकंड स्लिप को भी हमने इसी तरह से माप लेना है, और माप कर इसी तरह से हमने मार्क कर लेना है। और अब इसकी हम फिटिंग जो है पॉइंट निशान लगा लिए हैं, और इसकी अब स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसे किस तरह से मैंने किया हुआ है। यहाँ पर यहाँ मैंने स्टिचिंग कर लिया है, और इसे सीधा भी कर दिया है। अब नेक्स्ट जो पार्ट हमारा रहता है, देखिए दोनों साइड से मैं आपको दिखा दे रही हूँ किस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो रह गया हमारा, नीचे की फ़ोल्ड करना। 1 इंच हमने फोल्ड करना है मोड़कर इसे, और आप एक उंगल भी मोड़ सकते हैं इस तरह से। तो 1 इंच मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर देना, जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था। सिंपल सी सिलाई करनी है, तो इसे भी मैं स्टिच कर लेती हूँ। की भी सिलाई के लिए स्लिप की भी मैंने फिटिंग कर ली है, आपको पहले दिखाई हुई थी,
और अब यहाँ पर मैंने नीचे आपको दिखाना है कि सिलाई कर लिया है और एक ही सिलाई मैंने इस तरह मारा, जिस तरह से सिलाई की हुई थी साइड में वैसे ही मैंने इसे सिलाई कर ली है। तो इस तरह से हमारे सूट की फिटिंग हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।